हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स में वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में वैकेंसी है और इसके अलावा भी जो है कई पोस्ट हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई है। किसी भी राज्य के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की यदि हम बात करें तो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर पहले रखेंगे, तब पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देंगे, ठीक है। और जिसमें सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहने वाली है अलग अलग पोस्ट पर। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है PRT में, TGT में। सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूं, नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर वीडियो देखना होगा। यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, करियर सेक्शन में अप्लाई के ऑप्शन पे आपको स्टाफ दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप स्टाफ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है ये पेज आएगा। यहाँ ध्यान से देखें, फ्रेश एप्लीकेंट के आगे लिखा हुआ है जॉब्स लिसनिंग, जॉब्स लिसनिंग लिखा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कहीं पर नहीं जाना है आपको। अप्लाई के ऑप्शन में आपको स्टाफ दिखेगा थर्ड नंबर पर, इस पर क्लिक किया आपने। उसके बाद फ्रेश एप्लीकेंट के आगे लिखा है जॉब्स लिसनिंग, बस इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप लोग कर लेना। यहाँ पर जो है आपको साइन इन नहीं करना है, इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद आपको येल्लो बॉक्स में दिखेगा स्टार्ट, इस पर आप लोग क्लिक कर लें। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, जॉब वैकेंसीज फॉर स्टाफ आपको यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ गया, ठीक है। लास्ट डेट जो है आप यहाँ पर देखें, जितनी भी वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर से है और लास्ट डेट जो है आपकी 9 अक्टूबर, सभी में लास्ट डेट 9 अक्टूबर है, आपको ध्यान में रखनी है। ये जो वैकेंसी है ये टीचिंग पोस्ट के लिए है, और भी वैकेंसी है यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ की, इसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसे देखेंगे, जिसमें जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स की वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर स्केल 1 की है, जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है, इसी में टेक्निकल ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है, जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है, जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक की वैकेंसी है, स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है, PRT में इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ग्रेड 1 में प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 में मराठी की वैकेंसी है, जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मराठी की वैकेंसी है और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। तो ये तो टीचिंग स्टाफ से संबंधित वैकेंसी हो गई, बाकी इनको भी जो भी कैंडिडेट देखने के इच्छुक रहेंगे इनको भी आप देख सकते हैं। डिटेल में एडवर्टीजमेंट के लिए बस इस पर ही क्लिक कर लें, अप्लाई का ऑप्शन भी आपको इसी में मिल जाएगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी इसी पर क्लिक करने पर मिलेगा। अब मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन एज वगैरह क्या कही गई है, ठीक है। पे स्केल भी दोबारा देख लेंगे, तो जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT हिंदी की देख लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसी के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें, अप्लाई करने का ऑप्शन तो आपको ऊपर नज़र आ ही जाएगा, सबसे ऊपर देखेंगे जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, या नीचे है अप्लाई करने का ऑप्शन, ठीक है। ये वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई बॉम्बे से, मुंबई से है ये वैकेंसी। जॉब टाइटल जूनियर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, ये रेफरेंस नंबर है, एप्लीकेशन एंड डेट है 9 अक्टूबर। पहले आपको जो है यहाँ पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, टेम्परेरी ऑन स्केल 3 साल तक। नंबर ऑफ पोजीशन 1 वैकेंसी है, एप्लीकेशन कैटेगरी और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो कोई भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो है अब आप देख लें, बैचलर डिग्री इन हिंदी, स्नातक में आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए 3 साल 50% मार्क्स के साथ में, BEd होना चाहिए, CTET आपका क्वालिफाई हो या फिर महाराष्ट्र TET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर महाराष्ट्र TET आपका नहीं है क्लियर, तो CTET है क्लियर, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी जो इन्होंने मांगा है। जॉब प्रोफाइल में इन्होंने लिखा है कि हिंदी जो है 10th लेवल तक जो है आप पढ़ा पाएँ,
साथ में जो है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दें, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गया हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, और भी सारी चीज़ें होगी, एंकरिंग करना हो गया, ये आपके काम रहेंगे। पे डिटेल जो है इन्होंने लिखा है, तो मैंने थंबनेल पर आपको ये बिल्कुल कटिंग थंबनेल पे ही शो कर दी थी। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग, पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी एज़ पर प्रोविज़न ऑफ रिक्रूटमेंट रूल एंड प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एट पे लेवल 6, तो 3 साल तक तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे, उसके बाद जो है आपकी बढ़ेगी। एज लिमिट जो है 32 ईयर है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, इसे आप पढ़ लेंगे। तो ये जो है भले ही 3 साल तक रख रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया फर्स्ट में, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल एंड प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर प्रमोशन भी दे रहे हैं तो जो भी नियमों में लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब कैसे अप्लाई करना है ये आप देख लें। द एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए द एप्लीकेशन फ़ीस ₹250, ठीक है, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। OBC EWS की जो फ़ीस है 250 है और जनरल कैटेगरी में 500 है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बेस पर जो है मेरिट तैयार होगी, ठीक है, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है जो रिटर्न टेस्ट में पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये पूरा पढ़ लेंगे आप। आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनलियर कैटेगरी एप्लीकेंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पोस्ट इज रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। तो फिलहाल तो हिंदी सब्जेक्ट में जो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, और इसमें अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो ही जो है आपको आपके जो है कैटेगरी का फ़ायदा आप ले सकते हैं उस पोस्ट के लिए। अब जो है मैंने आपको एक बता दिया है, इसी तरीके से PRT इंग्लिश के लिए देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन जो है क्या कही गई है। इसको कैंसिल कर देंगे। अप्लाई करने के लिए तो आपको बता ही दिया, सबसे ऊपर है अप्लाई करने का ऑप्शन। इसमें जो PRT के लिए क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं 12th 50% मार्क्स के साथ में, और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी DED वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सालों का आपके पास जो है प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, साथ में CTET या फिर महाराष्ट्र TET आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो है PRT के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर आफ्टर पासिंग 12th विद द कॉम्पिटेंस टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसमें तो इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने BLED किया उसके बाद जो है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी जो है इसमें होना चाहिए। TGT में तो नहीं मांग रहे थे, बट PRT में तो मांगा जा रहा है। पे स्केल PRT के लिए लेवल 5 के अकॉर्डिंग रहेगा। एज लिमिट इसमें 32 ईयर है, और अगर इसमें जैसे इसमें जो है SC कैटेगरी की एक सीट है, तो जो भी कैंडिडेट SC कैटेगरी के हैं तो उनको आयु सीमा में छूट, फीस तो उनकी बिल्कुल लग ही नहीं रही है, नो फीस इज पेबल बाय SC PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, तो आयु सीमा में छूट भी जो है रहेगी। तो ये पूरा आप पढ़ लेंगे, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है। सबसे पहले जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यहाँ पर करियर सेक्शन पर अप्लाई करने का ऑप्शन है।
इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ये पेज आपके सामने आ गया। यहाँ पर थर्ड नंबर पर स्टाफ है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, फ्रेश एप्लीकेंट में जॉब लिसनिंग, बस इस पर क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे आप, स्टार्ट पर जाना है और ये आपके सामने जो है पोस्ट, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, ये पूरा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और भी वैकेंसी हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारे वैकेंसी यहाँ पर, किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू।